कालका से सटे परवाणु में लॉयंस क्लब परवाणु गोल्ड ने NAC कम्युनिटी हॉल में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में PGI चंडीगढ़ की टीम ब्लड यूनिट एकत्रित करने के लिए पहुंची। कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। इस मौके पर कुल 151 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया, जिसमें सबसे अधिक 50 यूनिट केपको इंटरनेशनल से एकत्रित किए गए। लॉयंस क्लब जनपद की ओर से विशेष अतिथि के तौर पर जनपद अजय गोयल ने शिरकत की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर, नगर पालिका EO ललित कुमार भी पहुंचे। इस अवसर पर लॉयंस क्लब परवाणु गोल्ड की ओर से प्रेसिडेंट तरुण गर्ग, जनपद उपाध्यक्ष नरेश जोली, कैशियर संजय चौहान, वाइस प्रेसिडेंट सचिन गोयल, राजेश शर्मा, पारस बंसल, श्री राम सक्सेना, श्याम शुक्ला, रमन पुरी, राहुल, नवीन अरोड़ा, रोहित सिंगला, केतन पटेल, बलबीर सिंह, विनय जैन, तरुण, राजपाल आदि उपस्थित रहे। वहीं पवन कुमारी शर्मा ने इस मौके पर युवाओं द्वारा आयोजित किए गए कैंप की खूब सराहना की और कहा कि रक्तदान महादान है और सभी रक्तदाताओं को बढ़ चढ़कर ऐसे कैंपों में जाकर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्त की एक एक बूंद भी किसी का जीवन बचाने में अहम योगदान निभाती है। कैंप में आया परवाणु में, आपका क्या कहना है? जी, आज तरुण गर्ग जी ने मुझे यहाँ ब्लड डोनेशन क्लब में बुलाया और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इनका ये मुहिम जो समाज सेवा की लगी हुई है, कोरोना के टाइम से मैं देख रही थी, कभी खाना बांटने का काम कर रहे थे तो कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जो आसपास ही रहते हैं कालका और परमाणु, तो ऐसे ही हम लोग इकट्ठे होके भी समाज सेवा में ऐसे ही जुटे रहेंगे। और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कि इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि जो ये ऐसे समय समय पर कभी ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहे हैं, कभी कोई कैंप लगा रहे हैं। आपका नाम? तरुण गर्ग जी। तरुण जी, आज यहाँ पर आपने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में? ये लायंस क्लब परवाणु गोल्ड का प्रथम रक्तदान शिविर है जो NAC परवाणु में लगाया गया है, और इससे पहले भी रक्तदान शिविर होते गए हैं, लेकिन ये इस क्लब का ये पहला रक्तदान शिविर है। तो आज यहाँ पर मैडम पवन कुमारी जी आए, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी का, पवन कुमारी जी का महिला आयोग की अध्यक्ष का मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम इसके लिए निकाला। और मैं अपेक्षा करूँगा कि हम जो भी सामाजिक कार्य करें तो ये भी हमारे साथ बढ़ चढ़ कर आगे आए किसी भी काम के अंदर। तो आज यहाँ पर जो ब्लड अपने दिया, कितने के रक्तदान अभी हो चुके हैं? 200 रक्तदान, 200 का टारगेट है, 160 के पास हम पहुँच चुके हैं। तो ये कितने तक रहेगा अपने? ये 2 बजे तक चलेगा जी। तो आप अपने ये युवा और सबको क्या मैसेज देना चाहते हो रक्तदान के बारे में? मैं रक्तदान के बारे में यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी को रक्तदान देना चाहिए। हार्ट अटैक की संभावना कम होती है, आयरन की मात्रा बैलेंस कम होता है, हमारा लिवर स्वस्थ रहता है, इसलिए सभी युवाओं को और सभी सामाजिक संस्थाओं के इसके लिए आगे आना चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जितने भी स्पॉन्सर रहे इसके अंदर, UTL सोलर लैंप, कैपको इंटरनेशनल, तक्ष एंटरप्राइज, रोस्टम कसोली, गणेश ट्रेडिंग कंपनी, इन सब का धन्यवाद करूँगा। और मैं दोबारा एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगा पवन कुमारी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला इसके लिए।